समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। सामने रोड दिख रहा है मुझे पूरा पूरा। हाँ मे बी सामने रीजन समझ नहीं आ रहा है। रोड सामने बिल्कुल खाली दिख रही है। आई थिंक बीच में बीच में किसी ने बाइक खड़ी कर दी है, ये उसकी वजह से परेशान हूँ। हाँ वो निकाल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ अबे चलाओ यार, कितनी जगह पड़ी हुई है लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा है। ये देखो देखो देखो, सब ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, सब ध्यान नहीं देता है कोई पागल लोग। हाँ बस और ये है थोड़ा कमजोर ड्राइवर, ये सामने वाला थोड़ा धीरे सही से चला भी नहीं रहा है, इसको चलाना नहीं आती है इसे। यार देखो ये तो मैं समझ सकता हूँ, कभी मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि अगर किसी को गाड़ी नहीं सही से चलाना आती है तो पहाड़ों में उसको और ज़्यादा दिक्कत होगी। ये वही कैची धाम वाला एरिया है ना, कैची धाम इधर ही है ना। हाँ तो कैची धाम वाला एरिया है, इस वजह से यहाँ पे काफी भीड़ है। अब जिन लोग कार से लाते हैं, लोग कार से आते हैं, उनकी भी तो मजबूरी है यार, कार खड़ी कहाँ करेंगे, तो ऐसे ही खड़ी करनी पड़ती है रोड में किनारे विनारे करके। इसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है, पर क्या कर सकते, इट इज व्हाट इट इज राइट। इस बंदे किया वाले के आगे हम निकल जाए तो बस तो सही रहे, या तो मैं कुछ देर रुक जाऊँ ये निकल जाए थोड़ा बहुत तब हम निकले। अरे भाई साहब, वी स्टिल हैव टू कवर 31 किलोमीटर नैनीताल पहुंचने के लिए। दिस प्लेस इज कॉल्ड गरम पानी। हाँ नहीं यही बताया था। तो ये जो जगह है इसका नाम है गरम पानी। तो रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पानी गरम, गरम पानी नाम क्यों रखा गया, इसका लॉजिकल रीज़न तो कुछ नहीं होगा। यही हो सकता है कि पानी यहाँ पे गरम होता होगा। बस बाकी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे।